दोस्तों टेंट के अंदर जैसे ही बैठा था, लेपर्ड ने क्या आवाज़ लगाई है सुनना दोस्तों। तो बांस का जंगल है और चारों ओर से पूरा घिरा हुआ जंगल है चन्ना मामा। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई कैंपिंग की वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो कैंपिंग होने वाली है वो कैंपिंग होने वाली है सोलो कैंपिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आज मैं आया हूं एक और डीप फॉरेस्ट में। तो एक बार आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं कि कितना डीप फॉरेस्ट है। तो दोस्तों आज की जो कैंपिंग रहने वाली है वो रहने वाली है इस जंगल में। तो बांस का जंगल है और चारों ओर से पूरा घिरा हुआ जंगल है। और मौसम देख सकते हैं आप, अभी तो निकल ली है धूप और ऊपर से गरज रहे हैं बादल। और ये देखिए दोस्तों पूरा डीप फॉरेस्ट है, इसके नीचे भी पूरा फॉरेस्ट है और इसके ऊपर भी पूरा फॉरेस्ट है। ये आप देख सकते हो सामने है चीड़ के जंगल और ये है बांज का जंगल। तो दोस्तों अभी तो मौसम खुल चुका है मगर ऊपर लगे हैं अभी भी बादल और थोड़ी देर पहले हो रही थी बारिश और छींटे आने लग गए अभी भी हल्के हल्के। तो बारिश में मैं आया बट मेरे आने तक का बारिश रुक गई थी। और लकड़ियाँ मैं अपने साथ लेके आ रखा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे लकड़ियाँ मैं आज अपने साथ लेके आ रखा हूँ क्योंकि जंगल में हो रखी है बारिश और लकड़ियाँ हैं पूरी गीली। तो जल्दी से करते हैं टेंट सेटअप क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों टेंट पिच हो चुका है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं टेंट। और मैंने घर से लाया था लकड़ियाँ मगर लकड़ियाँ हैं थोड़ी कम तो मुझे और ढूंढने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो नज़दीक में ढूंढता हूँ फटाफट, कहीं लकड़ियाँ मिलती हैं तो कुछ मोटा लाता हूँ। बेशक गिली होंगी मगर अगर ये जलेंगी तो इसके साथ डाल दूँगा उसे, तो वो भी जलना स्टार्ट कर देंगी। तो दोस्तों तकरीबन इतनी लकड़ी हमने इकट्ठा कर ली है तो लकड़ी गीली पर क्या कर सकते हैं, आई होप ये जलेंगी। और एक दो जोग भी मेरे पैर में लगे थे मैंने हटा दिए हो, तो फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं चूल्हा, लाते हैं कहीं से पत्थर की व्यवस्था करते हैं और फटाफट यहाँ पे लगाते हैं चूल्हा।
तो दोस्तों चूल्हे का कुछ सेटअप ऐसा कर लिया है, फटाफट से जलाते हैं आग। तो पहले मैं पिरोल डालता हूँ इसमें और कुछ डालता हूँ सूखी लकड़ियाँ। तो दोस्तों फाइनली हमारी आग जल चुकी है और कुछ कच्ची लकड़ियाँ मैंने डाल दी है। तो फटाफट से रखते हैं इसमें डेग और करते हैं पानी गर्म, क्योंकि आज बनने वाला है कुछ स्पेशल। तो देखते रहिए वीडियो में आगे क्या बनने वाला है। तो दोस्तों जब तक पानी गर्म होता है फटाफट हम छील लेते हैं आलू। तो दोस्तों आलू मैंने साइड से बिल्कुल वो कर लिए हैं, छांट लिए हैं और छांटा हुआ पार्ट ये देखिए थाली में रख लिया है। अब तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा बनाने क्या जा रहा हूँ। फटाफट से कर लेते हैं इसकी कटिंग, क्योंकि पानी हो चुका है बॉयल। अब तो पक्का समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। तो दोस्तों आलू पूरे काट दिए हैं और कुछ इस टाइप के आलू कटे हैं। तो दोस्तों डालते हैं इसको गर्म पानी में। तो दोस्तों नीचे मैंने बिछा दिए थे टिश्यू पेपर और ऊपर रख दिए मैंने अपने हल्के से उबले हुए आलू। हल्के कच्चे हैं, हल्के बॉयल हैं, तो 50% गले हैं और 50% कच्चे हैं। यहाँ पे फैला दिए हैं ताकि ये सूख जाए और इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो टिश्यू पेपर में आ जाए। तो दोस्तों मैंने डबल बार फ्राई कर लिए थे और आवाज़ सुनो आप, बिल्कुल हार्ड हो चुका है एकदम फ्रेंच फ्राइज की तरह। अब बारी है दूसरी लॉट की। तो दूसरा लॉट भी मैं डीप फ्राई करने के लिए डाल देता हूँ। और वेट करता हूँ इसकी डीप फ्राई होने का। तो दोस्तों जब तक दूसरा वाला पक रहा है अपने फ्रेंच फ्राइज बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज़ सुन पा रहे हैं आप क्या क्रिस्पी बने हैं? देखो हल्का सा नमक ऐड करते हैं इसमें। थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब करेंगे इसको टॉस। दोस्तों इसके साथ चाय बहुत ज़रूरी है, चाय के लिए रख दिया हमने पतीला, गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं इसको। ये आ गया दूध। दोस्तों ट्राई करते हैं क्या मस्त लग रहा भाई फ्रेंच फ्राइज। मुझे लग रहा चाय बनने से पहले ही खत्म हो जाएंगे ये। चाय पत्ती आ गई इसमें, तो डालते हैं चीनी, बहुत है। तो चाय बना दिया, फटाफट से खाते हैं फ्रेंच फ्राइज, भूख बहुत लग रही है, सुबह बनाते खाना। दोस्तों टार्प बांध दिया मैंने क्योंकि हल्के हल्के छींटे आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसा करके कुछ टार्प का सेटअप मैंने बना दिया है ताकि पानी आए तो पूरा नीचे आए। और फटाफट से अब बनाते हैं इसमें खाना।
डालेंगे यहाँ पे प्याज। तो दोस्तों इसमें डाल दिया है कैप्सिकम, आज बहुत तेज लग रही, फटाफट से हल्का सा सौते कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पर डाल देते हैं अब आलू, थोड़ा सा सोया सॉस करते हैं ऐड, तो इसमें ऐड कर देते हैं केचप और हल्का सा पानी, थोड़ा सा मिर्ची ऐड कर देते हैं, सॉल्ट ऐड कर लेते हैं इतना बहुत है, देन इसको हल्का सा फ्राई होने के लिए दोस्तों आटा गूंथते गूंथते देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई, आवाज़ सुनाई दे रही, होती है दोस्तों रेन कैंपिंग, अपने लिए फटाफट बना लेते रोटी। दोस्तों बन चुका है हमारा खाना, और लेट न करते हुए फटाफट गरम गरम सर्व कर लेते हैं, खुद को स्टार्ट कर लेते हैं। जय माता दी। ओके अच्छा बना है, दोस्तों टेंट के अंदर जैसे ही बैठा था लेपर्ड ने क्या आवाज़ लगाई है सुनना दोस्तों, भाई हालत टाइट हो रही, फटाफट से अंदर घुसता हूँ, लेपर्ड की बहुत ही खतरनाक आवाज़ आई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और क्या मस्त धूप खिल रही है, सुबह के ऑलरेडी बज चुके हैं 7:30 और उठने में थोड़ा लेट हो गई हमको। तो दोस्तों रात को बाघ फिर से घूर रहा था एक दो बार, मगर मैं था नींद में तो शूट नहीं कर पाया, और देख सकते हैं आप मैंने मुझे लगा कि बारिश होगी, बट ये देखो ये पोंचो पड़ा है और ये पूरा डीप फॉरेस्ट है, ये देखो ऊपर बादल देख सकते हो फटे फटे से आ रहे हैं और बिल्कुल चाँद चन्ना मामा भी दिख रहे हैं, दिखाऊं ये देखो चन्ना मामा 8 बजे भी चन्ना मामा दिख रहे हैं, और क्या मस्त लोकेशन है, मज़ा आ रहा है। हाँ यहाँ पे लगाई थी कल रात को आग, ऊपर बादल था टार्प क्योंकि बारिश हो रही थी, और टेंट की स्थिति ये थी देखो, ये लगाया था टेंट और बढ़िया लोकेशन। तो फटाफट से लेट ना करते हुए समय अपना पूरा जितना भी सेटअप है वो सब समेटते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजने वाले हैं, तो इससे पहले मच्छर भी लग रहे हैं, तो इससे पहले लेट हो फटाफट से घर निकलते हैं। ओके दोस्तों तो पैकिंग हमारी पूरी हो चुकी है और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट इस वीडियो के नीचे कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।